की ओर। दिल्ली में फिर बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, इसे देखते हुए राहत और बचाव दल एक्शन मोड में है। वहीं मौसम विभाग ने आज मंगलवार को बारिश की संभावना जताई है। इसमें मौसम में बदलाव के साथ ही तापमान में भी गिरावट आएगी। पिछले 5-6 दिनों से उमस भरी गर्मी का सामना कर रहे दिल्ली वालों को राहत मिल सकती है। यमुना का एक बार फिर खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर आ गई है। सोमवार रात 9 बजे पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 206.4 दर्ज किया गया है। इधर गुजरात, महाराष्ट्र, केरल से लेकर कर्नाटक तक मैदानी राज्य बारिश से बेहाल हैं। पहाड़ी राज्यों में खासकर हिमाचल और उत्तराखंड में तो बारिश ने रास्ते रोक दिए हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के गोचर कमेड़ा के पास बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का कई जगह करीब 200 मीटर हिस्सा बह गया है। इसके कारण मेन रोड से आवाजाही ठप हो गई है। तीर्थयात्रियों और वाहनों को 2-3 दिन का इंतजार करना होगा। हाईवे बंद होने पर जगह जगह 1000 से अधिक तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। यमुनोत्री हाईवे पर भूस्खलन का मलबा गिर जाने से यातायात बंद कर तीर्थयात्रा रोक दी गई है। भारी बारिश के कारण मार्ग पर बीते 3 दिनों से भूस्खलन हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में जून से अब तक बादल फटने की 35 से करीब घटनाएं हुई हैं। बीते 24 दिनों में ही 27 बार बादल फट चुके हैं। जुलाई में अब तक 102% अधिक बारिश हो चुकी है। बाढ़ से 158 लोगों की मौत हुई है, 606 घर ढह गए हैं और 5,363 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। राजस्थान में अगले 10 दिन तक झमाझम बारिश का दौर चलेगा और उसके बाद